आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि सर मैं भाड़े पर रहता हूँ और मुझे तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, मतलब मैं रेंट पर रहता हूँ और मुझे तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो क्या मुझे एड्रेस चेंज करना पड़ेगा? तो इसी के ऊपर बात करने वाले, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं होगी लेकिन 3 से 4 मिनट तक वीडियो जा सकती है, तो वीडियो को आप पूरा देखना, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखो ये किस किस के लोगों के माइंड में रहता है पता है, जो लोग भाड़े पर रहते हैं जैसे उनका परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है, प्रेजेंट एड्रेस कुछ और। जैसे प्रेजेंट एड्रेस तो जहां भाड़े पर रह रहे हैं वो है, और परमानेंट एड्रेस उनका कुछ और होता है। तो वो सोच रहे हैं भाई अगर हम भाड़े के घर में रहते हैं और मुझे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है और वो भी तत्काल पासपोर्ट के लिए, तो क्या मुझे अपना एड्रेस चेंज करना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट पर से, मतलब पैन कार्ड आधार कार्ड पर से एड्रेस चेंज करना चाहिए? जी नहीं, आपको एड्रेस चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, आपका जो ओनर है उससे रेंट एग्रीमेंट आप बनवा लो और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना रेंट एग्रीमेंट यूज करो। लेकिन इतना याद रखो, पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान जो है आपको दो एड्रेस डालना होगा, एक एड्रेस वो जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा और मतलब परमानेंट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा, और एक एड्रेस वो जो प्रेजेंट एड्रेस होगा जो मतलब कि आपका यहाँ का होगा, जिस जहां पर आप पुलिस मतलब कि भाड़े पर रहते हो, रेंट पर रहते हो, जो एग्रीमेंट आप दे रहे हो। और इतना याद रखो, रेंट एग्रीमेंट आपके नाम से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई किसी और के नाम से है और आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। और एक कंक्लूजन आपका और मैं दूर कर देता हूं, आप लोगों ने कई सारे कमेंट्स किए थे, तो देखो भाई कभी आपको जो है अगर आप रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है और भाड़े घर में आप रहते हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट का आधार कार्ड पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज करके आप वहीं का कर लो। ठीक है, एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिना एड्रेस चेंज के आप अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट यूज कीजिए और ये रेंट एग्रीमेंट यूज कर लीजिए, पासपोर्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, 100% गारंटी देता हूं। अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो मैंने बहुत सारे लोगों का जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया है और करता भी रहूंगा आगे भी जब भी मेरे पास समय मिलेगा। देखो बहुत सारे लोग का कमेंट आता है तो जरूरी नहीं कि मैं आप जैसे मैसेज करें मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूं, बट रिप्लाई जरूर करूंगा। और एड्रेस मत चेंज करवाओ, जो भी है आप उसी तरीके से अप्लाई कर दो। और इतना याद रखो, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो हो सकता है कि आपका दोनों जगह हो। क्यों? क्योंकि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट एड्रेस जो आप लाइट बिल दे रहे हैं वो है, मतलब कि आपका एग्रीमेंट में जो है वहां पर भी होगा, और परमानेंट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट में है सब में, आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में परमानेंट एड्रेस कहीं और का, तो वहां पर भी होगा पुलिस वेरिफिकेशन। तो आपको टाइम निकालकर दोनों जगह वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये चीज से आप घबराए नहीं कि हाँ अभी मैं क्या करूं क्या नहीं, आप दोनों जगह पुलिस वेरिफिकेशन आराम से करवा लो, पासपोर्ट आपके प्रेजेंट एड्रेस पर आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस पर नहीं, जहां पर आप करंट में रह रहे हो उसी एड्रेस पर आपका पासपोर्ट आएगा। और ये बहुत सारे लोगों के मन में जो है बहुत सारे डाउट था कि अगर मैं दो एड्रेस हमारे डालते हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग, तो हमारा पासपोर्ट कहां जाएगा? तो भाई जो प्रेजेंट एड्रेस आपका है, करंट एड्रेस जो है वहीं पर पासपोर्ट जाएगा, परमानेंट एड्रेस जो है वहां पर पासपोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आप वहां पर मतलब रह नहीं रहे हो, प्रेजेंट जा रह रहे हो वहीं पर पासपोर्ट आपका जाएगा, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। और टाइम टू टाइम अगर आप स्टेटस चेक करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो मेन मोटो था कि अगर आप भाड़े घर में रहते हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट का एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप रेंट एग्रीमेंट ओनली लगाकर जो है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट का यूज करके आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको ये समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, भूलना मत। और आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पर दिया जाता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके माइंड में कौन सा डाउट है, आपको किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर वीडियो फिर से आएगी, पासपोर्ट या वीजा के ऊपर, तो कमेंट करो भाई जल्दी से करो। और हर संडे को मैं कमेंट एक क्यों लेके आता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे आप क्वेश्चन करते हो मैं उसका आंसर देता हूँ हर संडे को, तो आप कमेंट करो वीडियो में, हो सकता है कि आपके कमेंट को मैं पिक कर लूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।